हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों, एमपी यूजी पीजी एग्ज़ाम्स यानी कि बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमकॉम एमएससी की जो एग्ज़ाम है वो उसकी जो फाइनल जो डेट है वो आ चुकी है। क्या फाइनल डेट है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले, यानी कि फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम थे बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम के, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। क्या एग्ज़ाम डेट है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 29 जून से जो आपके एग्ज़ाम शुरू कर दिए जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ ने दोस्तों इसका जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एक एक करके आपका जो 29 जून से एग्ज़ाम्स कराने का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, और आपकी यूनिवर्सिटी में जारी नहीं किया गया है तो धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी में जारी कर दिया जाएगा। क्या नोटिफिकेशन आया है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीवाजी यूनिवर्सिटीज के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं। 29/5/2020 को यानी कि शाम को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जारी किया गया था 29/5/2020 को, और ये क्या लिखा गया इस नोटिफिकेशन में वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था 28/5/2020 को, उसके परिपालन में स्नातक तृतीय वर्ष, स्नातक तृतीय वर्ष का मतलब बीए बीएससी बीकॉम और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ, यानी कि जो फाइनल ईयर की यूजी की फाइनल ईयर की जो परीक्षाएँ और पीजी की जो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएँ, वो 29 जून से 31 जुलाई 2020 से, जो कि मध्य 31 जुलाई तक जारी कर दी जाएंगी। यानी कि 29 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू कर दिए जाएंगे और 31 जुलाई तक सारे आपके जो एग्ज़ाम हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम शेष रह गए थे, आपके अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए थे, वो सभी एग्ज़ाम्स 29 जून से 31 जुलाई के बीच में सभी एग्ज़ाम फिनिश कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे वो एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे ऑफलाइन, यानी कि पेन पेपर मोड। जैसा इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसा आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स दिए थे, सेम उसी बेस पर आपके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे यूजी के और पीजी के। ओके दोस्तों, और जो आपके जो कहां पर एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे डाउट भी हो रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कहां कराए जाएंगे, तो दोस्तों वो एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे आपके परीक्षा केंद्रों पर, जहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, जहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, उसी परीक्षा केंद्रों पर आपके जो टाइम जो कि जारी की आपके जो एग्ज़ाम्स है कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो विस्तृत टाइम टेबल है, यानी कि किस तारीख को कौन सा जो आपका पेपर है होने वाला है, वो जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा गया है विस्तृत टाइम टेबल शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जो नोटिस जारी किया गया है जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है दोस्तों, धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर अपलोड नहीं किया गया है तो ये जो नोटिस है वो सेम यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो होने वाला है। ओके दोस्तों, आगे क्या लिखा गया है, विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी की सावधानी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया जाना पूरी तरीके से अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, अब आपको जो जनरल प्रमोशन देने की ऐसी मांग की जा रही थी कि फाइनल ईयर को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको फाइनल क्लियर कर देता हूं। फाइनल ईयर यानी कि हम कह सकते हैं थर्ड ईयर में किसी भी बेस पर जो कि जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, आपके 100% श्योरिटी के साथ में एग्जाम्स कराए जाएंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को जनरल प्रमोशन देने की एक बार को मांग उठ रही है, तो अब आगे पता चलेगा कि जनरल प्रमोशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को दिया जाता है या नहीं। लेकिन थर्ड ईयर वालों को किसी भी हालत में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो जो भी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें जिससे कि आपके एग्जाम्स अच्छे से जाएँ। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ चाहिए समझ में आया होगा। तो यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।